इधर पूजा करता है, पूजा पाठ करता है, यही रूम में रहता है सर। वो कल रात में वो हरीश कुमार बोल के इधर बिल्डिंग वाला आया था, मैं अंदर बैठा था, वो अंदर बैठा था मैं उसको वो और वो यह क्या ना सिंह सुभाष सिंह वो उधर का गाड़ी खड़ा हुआ था वो कार, वो हरीश कुमार इधर आके मेरे को दरवाजा खड़ा टकड़क कर रहा आवाज़ कर रहा है, नहीं कौन है बोला है ए बाहर आ रहे बाहर आ रहे बोला, मेरे को डर लगा वो निकाल के मैं बाहर आया, वो कार में लेके गया मेरे को उधर कोई मेरे को एरिया मार मने ऐसे ही 2-3 किलोमीटर लेके गया था उधर लेके उसको एक आदमी को बुलाया लाके उसको मेरे वीडियो करके उसको बाद में इधर आके छोड़ाया मेरे को अंदर आके दो तीन बार मारा इधर। क्यों मारा क्या मालूम नहीं किसका वो किसका गुस्से से मैं क्या वो पहला जो वीडियो बनाया था ना कौन सा यूट्यूब में आया था वो उसको क्यों क्या बोला रहा उसमें मैं तेरे को मारा क्या मंदिर तोड़ने को ले आया क्या तुम झूठ बोलता है रे मेरा ऊपर इंजाम लगाता है रे बोल के मेरे को गुस्सा से इससे मारने को आया था लेकिन मैं हाथ तोड़ा उसको मैं डर गया ना मैं अकेला है इधर कोई नहीं है मेरे वो मारता बोल के उसको इधर एक मार के उड़ाता है ऐसा इसका मेरे को बोलो क्यों मंदिर के लिए क्या मालूम है इसको मंदिर के लिए बोलता है मंदिर में वो इधर मंदिर तोड़ने के लिए आया क्या मैं मेरे को ऊपर यूट्यूब कर रहे हैं इसका पहला कुछ हुआ था तुम्हारा झगड़ा मेरे साथ नहीं था वो कुछ पहला वो वीडियो बनाया कोई नहीं उसके बारे में वो मैं मेरे पर मैं बोला बोल के मेरे को गुस्सा आया उसको अपने पुलिस कंप्लेंट भी किया है हाँ किया है सर उसको भी जाके केसरवाल में क्या बोला पुलिस वो एक्शन लेता हूँ बोला वो पूजा पाठ करते हैं और लोग रात को आके इसको मारा और बिना ये किसी कोई मतलब नहीं उसको मार के जो कुछ भी है हम लोग को बोलना चाहिए और इसको मारने का क्या फायदा वो लोग क्या बोले मंदिर नहीं मांगते ये बात इनको बोला नहीं ना ये बोला पुजारी मंदिर नहीं मांगता करके नहीं ये सब कुछ बोला ही नहीं ना ऐसे इनको बाहर निकाला बाहर निकाल के लेके गया किधर लेके गया क्या मालूम नहीं आगे आगे देखिए अभी पुजारी जी के साथ में ऐसा किया हमने कंप्लेंट डाला है अगर वो कुछ सुनवाई नहीं करेंगे तो फिर आगे हम लोग को मजबूरी है आगे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं तो मंदिर नहीं छोड़ सकता मुझे मंदिर चाहिए यहाँ पे सबको चाहिए उनको क्या है कुछ प्रॉब्लम है वो सामने आके फेस करें वो दुनिया संभालने चले हैं समाज संभालने चले हैं को सब लोग आते हैं प्रसाद खाते हैं क्या खराबी क्या है मुझे यही बताए कि इसमें क्या खराबी है वो आके बताए ये आप गलत कर रहे हो क्या गलत वो बताना चाहिए ये आप गलत कर रहे हो। हमारा गांव का पुजारी है इन्होंने इधर डेली पूजा पाठ करता है डेली इन्होंने इधर पूजा पाठ करता है साफ रखता है सब कुछ काम करता है इनको क्यों वो उठा के लेके जाके धमकी करके मारने का क्या धमकी दिया उनको धमकी दिया बोलता रात को उठा के लेके गया बोलता 11 बजे क्यों दिया कुछ भी हो ऐसा नहीं करना चाहिए मंदिर है और ऐसा चुपके से उठा के किसी को भी अगर मारेगा तो उसके खिलाफ एक्शन करना चाहिए ना ये गलत बात है ना किसी मंदिर में जाए और बाहर निकाल के मारेगा तो उसको मतलब कुछ तो ये करना चाहिए ना आके पूजा कर सकते हैं ना पर हम लोग जब यहाँ पर पूजा पाठ करते तो उनको बहुत प्रॉब्लम है फोटो खींच के लेके जाते हैं किस लिए लेके जाते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है उनको इतना सोचना हम लोग मना तो नहीं करते हैं पूजा करने के लिए मंदिर तोड़ने के लिए कहते हैं क्यों तोड़ना चाहिए हम लोग सब मिलके यहाँ पूजा करते हैं तो कोई खराब काम तो नहीं करते हैं तो मंदिर क्यों तोड़ना चाहिए मंदिर तोड़ने की वजह से बोलते हैं बार बार इसके लिए पुजारी को मारे क्यों ऐसा तो नहीं करना चाहिए नहीं तो गलत है ऐसा करेगा तो बाद में हम लोग यहाँ पर क्यों आते हैं मंगलवार को आते हैं यहाँ पे पूजा करते हैं हम लोग और ऐसा कुछ तो नहीं होता है ना यहाँ पे अगर कोई विवाद है तो इनको आपस में सुलझाना चाहिए हम लोग परदेशी हैं मंदिर में रह रहे हैं हमें आश्रय मिला भगवान के तो अगर कोई विवाद है तो ये आपस में सुलझे आपस में उलझे हमें कोई इनका मतलब नहीं हमें भगवान से मंदिर है तो अगर पंडित जी यहाँ पे आए हैं पूजा कर रहे हैं वो अगर उनसे विवाद है तो इनकी कंप्लेंट को सोसाइटी को कमेटी को करो ना कि डायरेक्ट अटैक करना कानून नहीं समझ रहे कानून को समझो कानून से पालन करो अगर उन्हें हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो कानून के माध्यम से करो ना डायरेक्ट अटैक करने का मतलब क्या है आज इन पर अटैक किया ये मेरे से 2 महीने बाद आए हैं मैं यहाँ पिछले 4 महीने से हूँ ये आज जाने वाले हैं कल मैं अकेला रहूंगा तो मेरे पे अटैक होगा तो मैं क्या करूंगा। सुभाष और हरीश ने बार बार इधर हमको बहुत तकलीफ हमेशा उसका दोनों लोगों का और हम लोग ना इकट्ठा होकर पूजा पाठ करने से ना उसको मतलब कुछ भी परेशान करते हैं हम बीच में आके पूजा भी रुकाता है और उसको ये किधर कोई इधर पूजा रुकाता है बीच में क्या उसको क्या प्रॉब्लम कुछ भी अगर यहाँ पे मंदिर तोड़ने के लिए छाता है मंदिर तोड़ता है
तोड़ते बोलते हैं। बोलता है यहाँ पे मंदिर नहीं चाहिए, पूजा पाठ पूजा पाठ सही से होता है उसको होता नहीं, क्यों इधर इकट्ठा रह के रहता है, आवाज करते तेज होता है तो भी उसको प्रॉब्लम होता है, लोग जमा होते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है, मतलब उसको क्या प्रॉब्लम है वही पूछिए कि एक फ्लैट है ठीक है इतना लोग है कम से कम सबके परमिशन से यहाँ पे रहना चाहिए ना, वो अकेले दो लोग क्यों इतना ये परेशान कर रहे हैं उनको पूजा करने। यहाँ पे कभी भी आया तो कभी इधर फोटो खींचना है, कभी उधर फोटो खींचना है, कभी उधर फोटो खींचना है। बहुत लोगों को इन लोगों ने धमकी भी दिया, इधर आएगा तो पुलिस कंप्लेन करेगा। एक बार तो यहाँ पे मीटिंग बैठा था, मीटिंग में उन्होंने बोला टिकट कटा के यूपी भेज देगा। मंदिर तोड़ने के लिए इन्होंने पंचायत में ये डाल के रखा है, हाँ, जबकि यहाँ पे सारा मंदिर का पंचायत से एनओसी है, लाइट का पानी का सब कुछ है। इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है सर, अरे जो कुत्ता लेके आएंगे यहाँ पे हर दिन उनको संडास करने के लिए लगाता है, यहाँ पे लगाता है, मैंने देखा है कई बार रात को यहाँ पे बैठा तो क्यों बैठता है, मंदिर है 10 लोग आते हैं बैठते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों को क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। मंदिर है सब लोग बैठते हैं, जलसा नहीं करते हैं ना, वो भी इन लोगों के कहने पे हम लोग ने 12 बजे तक बैठना बंद किया, राइट टाइम 10 बजे बाजा भी ऑफ करता हूँ और हम लोग सब जाते हैं। इनका प्लानिंग था क्या था ये पता नहीं, 10 बजे हम लोग जब यहाँ पे बैठना बंद किया, कल आके स्वामी जी को इन्होंने वही टाइम पे मारा, लेके गया, धमकी दिया, सब कुछ किया। अभी उन्होंने कंप्लेन डाला है पुलिस स्टेशन में, हम गए थे और भी लोग गए थे, कंप्लेन डाला है। पुलिस को ये इंक्वायरी करना चाहिए भाई बात क्या, इनका क्या परेशानी है, आज हमारे पुजारी को मारेंगे, वो अभी यहाँ पे रहने के लिए तैयार नहीं है।